वीरान पड़े मालवीय उद्यान को अब पूरी तरह से सुंदर और स्वच्छ बना दिया है। नगर पालिका और बाल विहार कल्याण समिति द्वारा इस उद्यान को संवारा गया है। अब यहाँ महिलाएं बच्चे भ्रमण करने पहुंच रहे हैं। जी सर, मालवीय उद्यान में पिछले 4-5 दिन से नगर पालिका प्रशासन द्वारा बढ़िया सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें कई दिनों से इस पार्क की दुर्दशा थी, आम नागरिकों द्वारा भी लगातार शिकायत की जा रही थी इसमें जी। और इसमें 11 लोगों का आना जाना था, क्षेत्र के लोगों द्वारा शिकायत की जाती थी और इसका सही उपयोग भी नहीं हो पा रहा था जी। नगर पालिका और बाल विहार समिति है, इन्होंने यह विचार किया कि इस पार्क का भी उद्धार किया जाएगा जी, जी। सभी हमारे मीडिया के साथी समिति के सदस्यों ने और हम लोगों का उत्साहवर्धन किया जी, जी। हम सभी ने मिलकर इस पार्क को बनाने के लिए जी जान से कोशिश की और 4 दिन में इसकी ऐसी स्थिति बना दी कि क्षेत्र के लोग, महिलाएं, बच्चे सभी घूमने यहाँ आने लगे और बड़ी खुशी है इस क्षेत्र में जी, जी। समिति के लोग बिल्कुल नियमित रूप से सुबह आते हैं और पूरा श्रमदान करके इसको संवारने में पूरा योगदान दे रहे हैं जी। आगामी समय में और क्या संभावना? आगामी समय में भी यदि मोहल्लों से या और जैसे पार्क है वहां से इस तरह की शिकायत आती है कि पार्कों का कहीं कोई जीर्णोद्धार करना है तो समिति और नगर पालिका संयुक्त रूप से मिलकर पूरा प्रयास करेगी, लेकिन जरूरी है कि क्षेत्र के लोग उसमें सहयोग दें और सब मिलकर पार्कों का विकास करें, तभी संभव है कि विदिशा नंबर 1 पर आएगा। धन्यवाद सर। नमस्कार, सावरकर बाल विहार टीम इस टाइम पूरे शहर के अंदर पार्कों को देख रही है। पहले मामले के अंदर हमने जो इसे कि सावरकर बाल विहार के अंदर काम करा और उसमें हमें प्रशासन का भी सहयोग मिला। जब तक हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा किसी भी पार्क के अंदर हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। जैसा कि आपने देखा, बाल विहार के अंदर 3 महीने निरंतर पूरी सावरकर बाल विहार कल्याण समिति ने काम करा। उसके बाद में हम वहाँ से निकल कर रेलवे के पार्क में आए, रेलवे के पार्क में भी हमें रेलवे वालों का सहयोग मिला। मालवीय उद्यान में हमारी टीम काम कर रही है। मैं इन सारे हमारा काम पूरे शहर के अंदर चलेगा, पूरे शहर के अंदर जीर सील जितने भी पार्क पड़े होंगे उन सब के अंदर हम काम करेंगे। इन सारी चीज़ों के पीछे हमें माननीय कलेक्टर महोदय श्री डॉक्टर पंकज जैन साहब का भरपूर सहयोग मिल रहा है और हम इसके लिए उनके आभारी भी हैं। बाल विहार कल्याण समिति पूरी कलेक्टर साहब के आभारी भी हैं, जिस तरीके से वो हमें सहयोग दे रहे हैं। आज उन्हीं की वजह से पूरे शहर के अंदर पार्क आप देख सकते हैं, मालवीय उद्यान देख लीजिए आप, पूरा खूबसूरती की ओर अग्रसर है। बाल विहार देख लीजिए, खूबसूरती की ओर अग्रसर है। विदिशा के अंदर यहाँ जा भी जितने पार्क पड़े, बाल विहार कल्याण समिति शासन प्रशासन के साथ नगर पालिका के साथ निरंतर इसी तरीके से कार्य करती रहेगी। और हम फिर पुनः माननीय पंकज जैन साहब कलेक्टर साहब को धन्यवाद अदा करते हैं कि वो जिस तरीके से हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं आज उन्हीं की वजह से।